तो बच्चों हमने आज करना है मॉडिफिकेशंस ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम. इन अवर प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द मॉडिफिकेशंस ऑफ एरियल स्टेम. अंडरग्राउंड स्टेम के हम ऑलरेडी जो उसके कैरेक्टर्स हैं वो डिस्कस कर चुके हैं. दैट इज अंडरग्राउंड स्टेम इज नॉन ग्रीन विद नोड्स इंटर नोड्स एंड एडवेंटिशियस बड्स एंड स्केल लीव्स. जो ब्रांचिंग है इन स्टेम दैट इज एक्सोजीनस एंड एनाटॉमी विल रिजेंबल विद द स्टेम. अब हमने कर लिया मॉडिफिकेशन टाइप्स ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम. तो अंडरग्राउंड स्टेम है जो इसमें फर्स्ट जो टाइप है दैट इज सक्कर. फर्स्ट टाइप इज सक्कर. तो जो सक्कर है इसमें देखो सबसे पहले यहां से समझो ये क्या हो गया सबस्ट्रेटम. जो सबस्ट्रेटम है उसके अंदर ये पहले है एरियल ब्रांच. एरियल ब्रांच है जो ये नीचे चली गई, नीचे जाके ये हो गई नॉन ग्रीन. तो ये नॉन ग्रीन ब्रांच है नीचे चली गई. अब ये जो एरियल ब्रांच विच गोज बीनीथ द सबस्टेटम, यहां से ना बच्चे बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो वो अंडरग्राउंड ही निकलती रहती है. बहुत सारी अंडरग्राउंड ब्रांचेस निकलती है इसकी, स्प्रेड करता रहता है. ठीक. तो जब भी ये अबव ग्राउंड पोर्शन है, ये अबव ग्राउंड उसका पोर्शन हमें यहां से यही दिखेगा. जब भी ये अबव ग्राउंड पोर्शन है इसकी अनफेवरेबल कंडीशंस आई तो ये जो अबव ग्राउंड पोर्शन है ये हो गया खत्म. और अब इसका सिर्फ ये पोर्शन बचा विच इज अंडरग्राउंड. ये वाला पोर्शन बचा विच इज अंडरग्राउंड. एंड जब इसका मतलब क्या हुआ कि जब अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये सारा पोर्शन बच गया. दैट इज देयर मेंट फॉर पेरिनेशन. अब जब भी फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो ये जो अंडरग्राउंड ब्रांचेस है उसकी वहां से अबव ग्राउंड एरियल ब्रांचेस है जो वो निकलनी शुरू हो गई. ये जो अबव ग्राउंड एरियल ब्रांचेस है इनके पास लीव्स प्रेजेंट होंगे, सेम इनके पास बर्ड्स प्रेजेंट होंगी. ये लीव्स हो गए इनके, इनके पास बर्ड्स प्रेजेंट होंगी और फिर ये स्प्रेड करते जाएंगे आगे आगे. तो क्योंकि इनके पास यहाँ पे बर्ड्स प्रेजेंट है तो दे कैन आल्सो प्रोपेगेट वेजिटेटिवली थ्रू दीज बर्ड्स आल्सो. तो दिस इज सक्कर. तो सक्कर है जो वी कैन से दैट सक्कर में हुआ क्या दैट इज लेटरल ब्रांचेस दे ओरिजिनेट. लेटरल ब्रांचेस originate from the basal and underground portions of main stem. Underground and basal portion of the main stem. ये जो बच्चे इस तरह से भी हो सकता है. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्राइसेंथेमम. ये जो हमने डायग्राम बनाया है ये किसका डायग्राम है? क्राइसेंथेमम का. क्राइसेंथेमम इज ऑर्नामेंटल प्लांट और विंटर में काफी ज्यादा ये ग्रो करते हैं, काफी अच्छे ब्यूटीफुल फ्लावर्स खिलते हैं क्राइसेंथेमम. क्राइसेंथेमम को हम कॉमन नेम में बोलते हैं गुलदौती. गुलदौती देन और या फिर और क्या हो सकता है कि ये जो अंडरग्राउंड स्टेम है इट कैन बी, ये ग्राउंड हो गई जो इसका अंडरग्राउंड स्टेम है, इट कैन बी हॉरिजॉन्टल. ठीक. और ये जो हॉरिजॉन्टल स्टेम है इसकी यहां से हेयर एंड देयर रूट्स निकली और इट गिव्स राइज टू एरियल इरेक्ट ब्रांचेस. ऐसे भी हो सकता है ना. तो अगर देखो अब अगर ये जो ब्राउन पोर्शन, ये वाला जो ब्राउन पोर्शन है, ये वाला पूरा जो ब्राउन पोर्शन है ये हमने अंडरग्राउंड बनाया, अगर इसी को हम अबव ग्राउंड ले जाए तो क्या बन जाएगा? रनर बन जाएगा ना. तो हम क्या कह सकते हैं? दैट इज अंडरग्राउंड रनर्स. अंडरग्राउंड रनर्स आर नोन एज सकर्स. तो एमसीक्यूज में यही लाइन दी होगी आपको, अंडरग्राउंड रनर्स आर फाउंड इन या अंडरग्राउंड रनर्स आर नोन एज. फॉर एग्जाम्पल हमने लिख लिया क्राइसेंथिमम हो गया,
क्राइसेंथिमम, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल एंड बनाना. बनाना जो है ना बच्चे, इसने प्लस वन की बुक में बनाना को अंडर सकर्स दिया हुआ है. अदरवाइज बनाना में राइजोम प्रेजेंट होता है, उसके पास सुडो सकर्स होते हैं. तो एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि इसके पास क्या होते हैं, सुडो सकर्स होते हैं, ट्रू सकर्स नहीं होते. तो यहाँ पे इसने ट्रू सकर्स मान के चला हुआ है, अदरवाइज उसका ट्रू स्टेम राइजोम होता है. तो ये हो गया, दैट इज अबाउट द सकर्स. तो सकर्स है जो हमने बोला कि लेटरल ब्रांचेस, ये लेटरल ब्रांचेस है, दीज आर द लेटरल ब्रांचेस. लेटरल ब्रांचेस है जो, वो कहां से ओरिजिनेट हो रही है, फ्रॉम द बेसल अंडरग्राउंड पार्ट्स. बेसल है अंडरग्राउंड पार्ट्स है ऑफ मेन स्टेम. ये मेन स्टेम था ना, ये उसकी अंडरग्राउंड पोर्शन हो गया, वहां से लेटरल ब्रांच निकली. फॉर एग्जाम्पल हो गया क्राइसेंथिमम एंड पाइन एप्पल एंड बनाना. देन नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है, दैट इज राइजोम. राइजोम है जो, इसमें फूड स्टोर हो जाता है. तो राइजोम है जो, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है. इट इज अंडरग्राउंड स्टेम विच स्टोर्स द फूड, इट आल्सो स्टोर्स फूड. तो सबने देखा होगा जिंजर देखा होगा. तो इन केस ऑफ जिंजर, जिंजर अगर हम बच्चे बनाए डायग्राम, तो जिंजर है जो ये सबस्टेटम हुआ, उसके नीचे ऐसे ऐसे जिंजर पड़ा, ऐसे ही होता है ना जिंजर जो हमारे पास आता है. इसके पास ये ऐसे होती है नोड्स, दीज आर द नोड्स, और उनके ऊपर ये उसका जो छिलका हम उतारते हैं वो होते हैं उसके स्केल लीव्स. दीज आर द नोड्स और उसके ऊपर ये होते हैं स्केल लीव्स. इसके अलावा ऐसे निकली होती है, दीज आर द बड्स, और कई बार ऐसे 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 ऐसे. तो ये जो पोर्शन है ये तो अंडरग्राउंड हो गया. इससे जब जो है अभी पूरा नीचे जिंजर बना नहीं है, ऊपर एरियल अबव शूट होती है इसकी और नीचे ये जिंजर बन जाता है. तो राइजोम के केस में अंडरग्राउंड स्टेम ने फूड स्टोर कर लिया. इट हैज नोड्स एंड इंटर नोड्स, इट हैज नोड्स इंटर नोड्स एंड स्केल लीव्स एंड स्केल लीव्स, और बर्ड्स भी प्रेजेंट है एंड बर्ड्स आल्सो. तो इसकी जो एग्जांपल है, दैट इज इसकी एग्जांपल होगी एक तो जिंजर. जिंजर का बोटेनिकल नेम होता है जिंजीबर. फिर है जिंजर, देन टर्मरिक. टर्मरिक का बोटेनिकल नेम है करक्यूमा डोमेस्टिक. करक्यूमा डोमेस्टिका, क्योंकि हम इसको घर में यूज करते हैं तो इसका नाम हो गया करक्यूमा डोमेस्टिका. इसके अलावा काना, ये एग्जांपल्स है किसकी, दैट इज राइजोम की. एंड राइजोम में वैसे बनाना भी आता है, बनाना भी अंडर राइजोम में आएगा. तो ट्रू स्टेम तो बनाना में राइजोम में होता है, बट वही की प्लस वन में है जो इसने सक्कर में दिया हुआ. देन नेक्स्ट है जो हमारे पास थर्ड मॉडिफिकेशन आ गई. थर्ड मॉडिफिकेशन है हमारे पास कॉम. कॉम भी अंडरग्राउंड स्टेम है एंड इसमें भी फूड स्टोर हुआ, और फूड स्टोर करके जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो क्या हो गया, ग्लोबुलर हो गया, गोल हो गया, ग्लोबुलर हो गया. और उसकी नोड्स एंड इंटर नोड्स भी क्या है, सर्कुलर नोड्स एंड इंटर नोड्स है. इनके पास ये स्केल लीव्स है और इसके पास यहां पे प्रेजेंट होते हैं बड्स. तो इनके पास ऊपर बच्चे, दैट इज जब फेवरेबल कंडीशन है ग्रोथ की, तो ऊपर इसके यहां से एरियल इरेक्ट शूट भी निकलेगी. ये नहीं कि ये सिर्फ अंडरग्राउंड ही रहेंगे, एरियल इरेक्ट शूट भी निकलेगी इनकी लीव्स वगैरह. ये फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं, फोटोसिंथेसिस करके फूड को नीचे स्टोर करेंगे और पुराने जो कॉम्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, नए कॉम्स बन जाएंगे. बर्ड्स हो गए, सर्कुलर नोड्स एंड इंटर नोड्स हो गए. तो जो अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं ये क्या हो गए, जितने भी जैसे हमने सक्कर किया, राइजोम किया, ये सारे पेरिनियल होते हैं. पेरिनियल मतलब विच लिव्स फॉर मेनी इयर्स. मैंने एक बार टर्म बताई थी आपको, पेरिनियल
एक होते हैं वर्ड पेरिनियल, एक होते हैं पेरिनेशन. पेरिनियल हो गया विच लिव्स फॉर मेनी इयर्स, एंड पेरिनेशन हो गया टू टाइड ओवर द अनफेवरेबल कंडीशन. तो कॉम है जो, ये भी क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है. इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम विच स्टोर्स फूड, और फूड स्टोर करके इट बिकम्स सर्कुलर. इट बिकम्स सर्कुलर इन आउटलाइन. इट हैज सर्कुलर नोड्स एंड इंटर नोड्स, नोड्स एंड इंटर नोड्स, एंड इट ऑल्सो बड्स. इट हैज एडवेंटिशियस बड्स. एंड फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल है ये जो हम देखते हैं कचालू ना, तो कोलोकेजिया इज कचालू, एलोकेजिया इज अरबी. इसके अलावा एक होता है जिमीकंद, जिमीकंद दैट इज एलिफेंट्स फुट. एक होता है क्रोकस, केसर, केसर का भी अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ऐसा ही होता है क्रोकस. एक होता है ग्लैडुलस, ग्लैडुलस होता है जो हम बुके में फ्लावर्स लगाते हैं ना, स्टिक वाले फ्लावर्स जिसको बोलते हैं, तो उसका जो स्टेम होता है वो ऐसा होता है, ग्लोबुलर होता है, तो उसको दैट इज ग्लैडुलस. तो ग्लैडुलस का जो अंडरग्राउंड स्टेम है दैट इज कॉम. कॉम में क्या है, फूड स्टोर हुआ स्टेम के बेस पे, फूड स्टोर हो गए, वो स्टेम क्या हो गया, गोल हो गया, सर्कुलर हो गया, नोड्स इंटर नोड्स सब कुछ सर्कुलर हो गया. दैट इज जितने भी अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं दे आर मेंट फॉर पेरिनेशन एज वेल एज दे आर पेरिनियल. ये हर जगह पे लाइन लिख ही सकते हो. नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है ट्यूबर. नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज ट्यूबर. तो ट्यूबर में क्या होता है बच्चे, ट्यूबर में हुआ कि ये सबस्ट्रेटम है, ये जो है उसका मेन अबव ग्राउंड एक्सिस है, ये ही अबव ग्राउंड एक्सिस नीचे चली गई और नीचे जाके ये हो गई ब्राउन इन कलर. अब ये जो एक्सिस है इसके फिर यहाँ पे बहुत वेल डेवलप्ड टैप रूट सिस्टम पड़ा होता है. दिस इज टैप रूट सिस्टम. सिर्फ ट्यूबर में टैप रूट सिस्टम होता है, बाकी जो अंडरग्राउंड स्टेम्स हमने किए उनमें एडवेंटिशियस रूट सिस्टम होता है. ये स्टेम का पार्ट है ना ऊपर वाला, तो यहां से इसने बहुत ऐसे अंडरग्राउंड ब्रांचिंग, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग कर दी, बहुत ज्यादा ब्रांचिंग कर दी. ठीक है, अब ऊपर वाली एक्सिस ग्रीन है, फूड स्टोर किया, तो ये जो फूड स्टोर हुआ ये इसके टिप्स पे स्टोर हो गया. फूड स्टोर किया इसने, और अंडरग्राउंड जो स्टेम की ब्रांचेस हैं उनके टिप्स पे ये फूड स्टोर हो गया. इसको हमने बोला ट्यूबर. दिस इज अ ट्यूबर. तो ट्यूबर है जो, उसकी एग्जांपल है पोटैटो. पोटैटो इज बोटेनिकली सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम. तो सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो है जो, ये फैमिली सोलेनेसी को बिलोंग करता है. हमने करनी है ना फैमिली सोलेनेसी, इसलिए यहां पे आपको बता दिया मैंने. तो ये बिलोंग करता है फैमिली सोलेनेसी को. अब पोटैटो सबने देखा है, तो पोटैटो है जो ऐसे होता है, ठीक है, कोई इसकी डेफिनेट शेप नहीं होती, एंड इसके ऊपर ऐसे ये पॉइंट्स होते हैं. देखना निकाल के, ये जो पॉइंट है दीज आर नोन एज आईज. जो आईज हैं पोटैटो की दे रिप्रेजेंट द नोड्स. एंड क्यों नोड हमने इसको बोला, नोड के ऊपर क्या होता है, लीफ होता है, और क्या होता है नोड के ऊपर, बड होती है, एक्सिलरी बड या एडवेंटिशियस बड जिसको हमने बोला था. तो अगर थोड़े दिन के लिए आलू है जो वो पड़ा रहे तो इसके यहां से ऐसे व्हाइट से कलर की स्प्राउटिंग होनी शुरू हो जाती है लाइक दिस. तो ये इसकी क्या है, एडवेंटिशियस बड्स है. और ये जो आपको स्कार सा दिखेगा ना ब्राउन, ऐसे डार्क ब्राउन कलर का, देखो लग रहा है ना आई जैसा, इसीलिए इसको आई बोलते हैं. तो पोटैटो की जो ट्यूबर है उसके ऊपर क्या है, आईज. ईच आई रिप्रेजेंट्स अ नोड, और उसके नोड के जो है एक्सिल उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, एडवेंटिशियस बट.
अब जहां पे एडवेंटिशियस बड आ गई वहां पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का भी काम करेगा। तो पोटैटो को जब लगाना होता है तो पोटैटो के जितने मर्जी पीसेस कर दो, हर एक पीस है जो अगर उसके पास ये एडवेंटिशियस बड होगी तो इट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। तो पोटैटो है जो वो किसकी एग्जांपल होगी, ट्यूबर की। ट्यूबर है जो वो बाकी अंडरग्राउंड स्टेम से इसलिए डिफर करता है क्योंकि इसके पास टैप रूट सिस्टम है। जो ये हमने किया था, जैसे ये हमने किया, इसके पास यहाँ पे ऐसे ही होती है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम होता है, बट पोटैटो के पास क्या है, टैप रूट सिस्टम है और अंडरग्राउंड ब्रांचेज है, उनकी प्रोफ्यूज ब्रांचिंग होती है, काफी वेल डेवलप्ड अंडरग्राउंड उनका स्टेम का सिस्टम बनता है और वो फूड स्टोर करता है एट द टिप्स ऑफ द ब्रांचेज विच आर नोन एज ट्यूबर्स। ट्यूबर्स आर हैविंग द आईज, आई रिप्रेजेंट द नोड एंड इन द एक्सिल ऑफ द नोड्स देयर आर प्रेजेंट एडवेंटिशियस बड्स विच आर मेंट फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जो पोटैटो की कवरिंग है, पोटैटो की जो कवरिंग होती है ना वो कॉर्की होती है बच्चे, और उसके पास क्या होते हैं, लेंटी सेल्स होते हैं। हमने पहले भी किए थे ना लेंटी सेल्स, लेंटी सेल्स क्या होते हैं, दे आर मेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दे आर मेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जो लेंटी सेल्स है, अगर आपको आता है एमसीक्यूज में, तो लेंटी सेल्स है जो अगर जैसे स्टेम के ऊपर प्रेजेंट है बाहर की साइड, नॉट हम इस यहाँ पे नहीं बात कर रहे, तो लेंटी सेल्स अगर स्टेम के ऊपर प्रेजेंट है तो उनका मेन फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। बट अगर वो एक्सपोज्ड पार्ट पे पड़े हुए लेंटी सेल्स तो वो थोड़ी बहुत ट्रांसपिरेशन भी करते हैं, बट वो उनका प्राइमरी फंक्शन नहीं है। प्राइमरी फंक्शन क्या होगा, जिस फंक्शन के लिए वो बने हैं, ठीक है। तो उनका लेंटी सेल्स का प्राइमरी फंक्शन क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। अब अगर हमने करने हो फंक्शंस ऑफ स्टेम, तो फंक्शंस ऑफ स्टेम है जो वो हम क्या करेंगे, क्या कुछ किया, देखो प्राइमरी फंक्शंस क्या हो गए कि स्टेम है जो इट बियर लीव्स, अगर लीव्स बियर करता है, फ्लावर्स बियर करता है, फ्रूट बियर करता है ना। और दूसरा काम प्राइमरी फंक्शन उसका क्या है कि वो ट्रांसपोर्ट करता है, किस चीज को ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स को फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट्स, एंड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम ग्रीन पार्ट्स टू नॉन ग्रीन पार्ट्स। ये तो दैट इज स्टेम के हो गए प्राइमरी फंक्शन। इसके अलावा सेकेंडरी फंक्शंस क्या हो गए, सेकेंडरी फंक्शंस हो गए जो भी वो काम करता है अदर देन दिस। जैसे हमने किया स्टोरेज ऑफ फूड हो गया, फूड स्टोर करेगा ना, और क्या किया इसने, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। जैसे हमने किया था फाइलोक्लेड में ये फोटोसिंथेसिस करेगा, दे आल्सो हेल्प इन क्लाइंबिंग। कब क्लाइंबिंग में हेल्प किया, जब इसके टेंड्रिल्स हो जाते हैं या फिर इसके पास थॉर्न्स है जो वो प्रेजेंट होते हैं। दे आल्सो हेल्प द प्लांट इन पेरिनेशन, तो वो जो अनफेवरेबल कंडीशंस है उनको टाइड ओवर करने में ये हेल्प करेगा। एंड दे आल्सो हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दे आल्सो हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टेम। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद अनदर पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म, दैट इज लीफ।